इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम प्रदेश के हर एक उस स्नातक और प्रास्नातक छात्र छात्रा को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। अभी हम लोगों ने लखनऊ में इस कार्यक्रम को 25 दिसंबर से प्रारंभ किया है। उस दिन लखनऊ में 60,000 युवकों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया गया है। अब ये कार्यक्रम अनवरत रूप से संस्था वाइज प्रारंभ होगा। आज हम लोग गोरखपुर में लगभग 1,000 नौजवानों को यहाँ पर अभी जो आ चुके हैं उनको यहाँ पर स्मार्टफोन मिलेगा। बाकी उनकी संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक में, नर्सिंग कॉलेजेज होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेज होंगे, पैरामेडिकल की संस्थाओं में ये स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के क्रम में हम लोग करेंगे। इसके साथ ही शासन की बहुत सारी योजनाएं भी इसके साथ जुड़ी होंगी। खासतौर पर एक युवा अगर अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो उसको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको अपना कोई कारोबार प्रारंभ करना है तो कौन से कार्यक्रम उसके लिए, कहां से कौन से बैंक उसको मदद कर सकते हैं, कौन सी स्कीम में उसे सहायता मिल सकती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना है, एक जनपद एक उत्पाद की योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना है, और प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप के अंतर्गत स्वयं भी अपने राज्य में भी एक स्पेशल फंड स्थापित किया है, जिस फंड के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को नया स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप सबके लिए एक अवसर है। स्मार्टफोन और टैबलेट में सारे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि आप क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा शासन की कौन कौन सी, केंद्र और प्रदेश सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जो एक युवा को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर के रूप में आगे बढ़ा सकता है। आप नौकरी देने वाले हो सकते हैं और नौकरी देने की स्थिति के लिए आपको क्या कुछ प्रयास करना है उसका भी एक माध्यम आपको प्रदान किया जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट होगा। आप थोड़ी भी इसके साथ आगे जुड़ेंगे तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आप स्वयं ही शासन की सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जो योजनाएं एक युवा के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेंगे।
इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए पीलीभीत जनपद यहाँ के किसानों के पुरुषार्थ का और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की एक नई कहानी लिख रहा है। भाइयों बहनों, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि जो तराई का क्षेत्र कभी मलेरिया और तमाम अन्य प्रकार की बीमारियों के कारण लोगों के लिए भय और दहशत का कारण बना होता था, आज जन विश्वास यात्रा के दौरान ही यहां पर एक योजनाओं के शिलान्यास का भी अवसर मुझे मिला है, जिसमें पीलीभीत के लिए एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कार्य होने जा रहा है। पीलीभीत वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं और यहां के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को इस कार्य को ले जो पीलीभीत में इसको लेकर आने में सफलता प्राप्त हुई है, इनको भी मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और एक अच्छे प्रयास के लिए धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, इसके अलावा तमाम अन्य परियोजनाओं का इसमें कोई भी ईमानदारी के साथ नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन हम कह सकते हैं पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.25 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उद्योग लगा करके रोजगार की सुविधा दी और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए अभी जब मुझे यहां पे मंच पर श्री संजय गंगवार जी ने पीलीभीत की बांसुरी दी, आप याद करिए पीलीभीत की इस बांसुरी को कभी भगवान कृष्ण बजाया करते थे, आज हमने पूरी दुनिया तक पीलीभीत की बांसुरी को पहुंचा दिया। आपकी मुरली को भगवान कृष्ण ने 5,000 वर्ष पहले मान्यता दी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस मुरली को भी बुला दिया था। और भाइयों बहनों, आज 5,000 वर्ष पुरानी भगवान कृष्ण की स्मृति को हमारी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से फिर से आपकी ब्रांडिंग का एक माध्यम बनाया। आज जहां कहीं भी बांसुरी की बात होती है तो पीलीभीत का नाम सबके जवान पर आ जाता है।